हेलो हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 6.3 इसके प्रश्न 14, 15 और 16 का सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कक्षा 10 के विज्ञान में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा। मतलब जितनी भी क्लासेस इसमें होंगी वो सभी की सभी लाइव होंगी और ये जो बैच रहेगा या ये जो कोर्स रहेगा ये NCERT बेस्ड रहेगा। मतलब जितने भी चैप्टर आपके NCERT में हैं वो सभी मैं आपको अच्छे से कवर करा रहा हूँगा। आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी, PDFs में आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें हम देख रहे होंगे। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत है विज्ञान कक्षा 10 में, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखा है मैंने इसका और ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से AK Study ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, देखो यार, जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पहले मैं बता के चल रहा हूँ ताकि आप ये ना सोचो कि इसमें तो इतना सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, बट उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले को समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR और माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब ये क्रमशः समानुपाती होने का क्या मतलब हुआ वो मैं समझा देता हूँ। देखो इसका मतलब ये है कि हमें दिया गया है, क्या दिया है, दिया है देखो जो पहले लिखा है AB AC और AD, तो मैंने यहाँ पे लिखा AB AC और माध्यिका AD, ये क्रमशः समानुपाती का मतलब क्या है, क्रमशः यानी कि इसके नीचे पहले क्या लिखोगे PQ, फिर लिखोगे PR, फिर लिखोगे PM, यानी कि यहाँ पे आएगा PQ, फिर आएगा PR और फिर इसके नीचे आएगा PM। ये मतलब हुआ क्रमशः समानुपाती का, मतलब इसका अनुपात इससे बराबर होगा, इसका अनुपात इससे बराबर होगा, इसका अनुपात इससे, ठीक है, ये बात बताई गई है। और AD और PM माध्यिकाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे AD व PM माध्यिकाएं हैं, ठीक है। माध्यिका आप समझते हो गए यार कि जो AD अगर माध्यिका है तो मतलब D मध्य बिंदु हो जाएगा BC का, और इसी तरह से अगर PM यहाँ पे माध्यिका है तो M मध्य बिंदु हो जाएगा QR का, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सिद्ध क्या करना है या दर्शाना क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे इसको, यहाँ पे थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार देखो AB यहाँ पे आ गया PQ, फिर AC, फिर यहाँ आ गया PR, फिर AD, अब बीच वाली चीज़ आ गई, ऐसा तो कोई नियम नहीं अपने पास, है ना। तो यहाँ से हमें चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। अब यहाँ से देखो, क्योंकि ये बटे में ये बराबर, ये बटे में ये, अगर मैं किसी तरह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर ले आऊँ, कुछ भी जुगाड़ लगा के, है ना, तब यहाँ पे भुजा कोण भुजा वाला समरूपता वाला नियम लग जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत तामझाम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जितना बड़ा AD है, यानी कि जितना बड़ा यहाँ पर AD है, ठीक है, इस AD को और आगे बढ़ाएंगे E तक, कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे कि जितना बड़ा AD था उतना बड़ा ही DE रहे, और फिर B को मिला देंगे E से और C को मिला देंगे E से, ठीक। इस तरह से जितना बड़ा PM है, ठीक है ना, जितना बड़ा ये PM है, PM को आगे एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से कि मान लो अगर ये बिंदु S तक जाए तो PM जितना था उतना ही बड़ा MS भी रहे, और इसको ज्वाइन कर देंगे S से, इसको ज्वाइन कर देंगे S से, ये रचना करनी पड़ेगी। अब ये रचना क्यों करी है समझा देता हूँ। देखो अगर ये मैंने रचना करी, अगर अब मैं किसी तरह से इस त्रिभुज को समरूप कर पाऊँ इस त्रिभुज के, जो कि अब हो जाएगा आराम से, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और इसी तरह से ये वाला त्रिभुज सेम एज मैं ऐसे कर दूंगा इसके, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो जोड़ने दोनों को जोड़ के जो आएगा A, और यहाँ पे दोनों को जोड़ के आएगा P, बराबर हो जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अब ये होगा कैसे, ये सोचना है मुझे, ठीक है, ये होगा कैसे वो देखो। पहले जो रचना करी है मैंने वो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि रचना को लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखो जो भी मैंने रचना करी है मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं समझा देता हूँ फिर से, ठीक है। देखो हमने क्या किया था, AD को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE हो, ठीक है ना, AD को आगे E तक कैसे बढ़ाया था, कुछ इस तरह से कि AD बराबर DE हो जाए।
तो अगर ए डी बराबर यहाँ पर डी ई होगा तो हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि जो ए ई ये पूरा होगा वो ए डी यानी इतने का डबल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टुकड़ा और इतना बड़ा टुकड़ा दोनों टुकड़े बराबर है, तो ये पूरा इतने का डबल होगा। तो ए ई यानी ए से लेके ई तक ए डी का क्या हो गया, डबल। अब ये सारी चीज़ें यूज होंगी इसलिए मैंने पहले यहाँ पर बिल्कुल सही से ठीक है लिख दिया है। और B को E से मिलाया था हमने और C को E से मिलाया था, तो यहाँ लिख दिया B को E से व C को E से मिलाया। इस तरह से यहाँ पे PM को आगे बढ़ाया था S तक कुछ इस तरह से कि PM बराबर MS हो जाए, तो PM को S तक इस प्रकार बढ़ाया कि PM बराबर MS हो, अतः PS जो होगा वो PM का डबल हो जाएगा। PS मतलब ये पूरा इतने का डबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, Q को S से और R को S से मिला दिया था, Q को S से तथा R को S से मिलाया। इतना अगर हो गया अब ये क्वेश्चन आसान बन चुका है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था अगर आपने इसको कर लिया फिर आपको आगे अब ठीक है दिक्कत नहीं होगी। देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा मकसद क्या है, किसी तरह से मैं इस त्रिभुज को पहले इसके समरूप कर पाऊँ ताकि मुझे ये वाला कोण इसके बराबर मिल जाए। ऐसा कर पाने के लिए मुझे पहले क्या करना होगा, मुझे किसी तरह से ठीक है मुझे किसी तरह से इस भुजा को इसके बराबर दिखाना होगा। क्यों दिखाना होगा भी आपको समझ आ जाएगा, और उसके लिए मुझे पहले इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा, इसको भी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। मैंने लिखा चतुर्भुज ए बी, ए बी ई सी में देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अब ए बी ई में आ जाओ, ए बी ई सी में आ जाओ, मैं कह सकता हूँ कि जो बी डी है वही डी सी के बराबर होगा, यानी कि जो बी डी है वो बराबर है डी सी के। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए डी माध्यिका है, ए डी माध्यिका है। अच्छा ए डी के माध्यिका होने से दोनों बराबर क्यों हो गए, क्योंकि माध्यिका का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अगर ए डी माध्यिका है तो डी मध्य बिंदु होगा बी सी का, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा, यानी कि बी डी बराबर सी डी लिखो या डी सी लिखो, ठीक। इतना समझ में आ गया। और ए डी बराबर डी पहले से ही है, ए डी बराबर डी क्यों है, हमने रचना ही ऐसा करी है कि ये बराबर रहे रचना अनुसार, ठीक है। जैसे ही इतना हुआ मैं एक बात और देख सकता हूं कि भाई इस चतुर्भुज के लिए ठीक है ए ई विकर्ण है बी सी भी विकर्ण है, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर टुकड़ों में बांट रहे हैं, मतलब समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ चतुर्भुज ए बी ई सी, ए बी ई सी के विकर्ण ठीक है ना, दोनों टुकड़े बराबर आ गए तो ये विकर्ण होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो समझ जाओ कि वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब चतुर्भुज ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है, समझ में आ गई बात। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो मतलब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, हमें भी इसको किसी तरह से इसके बराबर लेके आना था क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल होगा, कैसे होगा अभी आप देख लोगे। तो इसका मतलब ए सी बराबर बी लिख सकता हूं क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यहां पे आप लिख लेना समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। इसको बोल दो समीकरण एक, चलो ठीक है। इसी प्रकार ठीक है, अब हमें दोबारा प्रूफ नहीं करना, हम सीधा लिखेंगे इसी प्रकार क्योंकि इतनी मेहनत जो हमने यहाँ करी है बिल्कुल वही स्टेप यहाँ पर भी होंगे तो पूरी मेहनत नहीं करनी। इसी प्रकार सीधा लिख दो पी क्यू एस आर भी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज पी क्यू एस आर एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहां पे अगर ये समांतर है तो पी आर बराबर आ जाएगा क्यू एस के इसी तरह से, ठीक है। इसको समीकरण दो बोल दो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि हम इस त्रिभुज को हाईलाइट कर दूं मैं, इसके समरूप कैसे दिखाएंगे, ठीक है। चलो इसको पहले मैं उठा के नीचे ले आऊं। अब देखो ये दोनों अब आराम से हो जाएंगे, कैसे। मैंने लिखा
त्रिभुज ए बी, ठीक है, अच्छा ये ई ऊपर रह गया, यहाँ पे ई था, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज पी क्यू एस में, ठीक है, जो लाल वाले आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्यू है, छुप गया है क्यू है, ठीक। इसमें देखो, पहली बात तो हमें शुरू में दिया था ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर बराबर ए डी बटे में पी एम, लेकिन ये सारा अभी हमारे काम का नहीं है, तो खैर दिया था, दिया है, ठीक है, अभी हमारे काम का नहीं, क्योंकि देखो इस त्रिभुज में ए सी तो नहीं आ रहा, तो मुझे ए सी नहीं चाहिए, इस त्रिभुज में ए बी आ रहा है, उस त्रिभुज में पी क्यू आ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ए सी नहीं चाहिए, तो ए सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बी, और मुझे पी आर भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें पी आर नहीं आ रहा, तो पी आर की जगह लिख सकता हूँ क्यू एस, तो ए सी की जगह बी और पी आर की जगह क्यू एस मैंने सिद्ध कर दिया, आप समझ में आया इसके बराबर इसकी क्यों सिद्ध किया था, चलो, तो ए सी की जगह जो ए सी के बराबर है यानी कि बी और पी आर की जगह क्यू एस लिख दिया, ठीक है, बराबर, अच्छा मुझे ए डी भी नहीं चाहिए क्योंकि ए डी तो इतना ही है, जबकि इस त्रिभुज में पूरा ए ई आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा चलो ए डी बटे में पी एम जो दिया था मैं इसको नहीं छेड़ता, मैं ऊपर भी दो से गुणा कर देता हूँ, नीचे भी दो से गुणा कर देता हूँ, ठीक है, कर सकते हैं यार जब अनुपात बराबर हो। अच्छा यहाँ पे कारण लिख लेना कि भाई मैंने ए सी की जगह बी क्यों लिखा और पी आर की जगह क्यू एस क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ए सी जो है वो बी ई के बराबर हमने ऊपर सिद्ध किया था, और जो पी आर है वो हमने क्यू एस के बराबर ऊपर सिद्ध किया था, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, ए बी बटे में पी क्यू अपने को चाहिए क्योंकि वो इस लाल वाले त्रिभुज में आ रहे हैं, और बी बटे में क्यू एस भी काम बन चुका है, 2AD, AD का डबल, देखो AD का डबल शुरू में लिखा था AE के बराबर है, 2PM, PM का डबल PS के बराबर है, शुरू में ही बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि 2AD शुरू में हमने प्रूफ कर दिया है कि AE के बराबर है, इसीलिए 2AD की जगह ये लिख दिया, और 2PM बराबर है PS के, ऊपर से देखिए जैसे इतना हुआ, देखो यार अब इस त्रिभुज में आ जाओ, ए बी बटे पी क्यू बी बटे क्यू एस ए बटे पी एस हो गया, तो यानी भुजा 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 से त्रिभुज ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है, भुजा 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 नियम से, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब मैं बोल सकता हूँ कि यार इसको अगर मैं कोण एक बोलूँ और इसको अगर मैं कोण दो बोलूं तो कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो के, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, यहाँ पे आप लिख लेना समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इतना हो गया, ठीक है, जैसे ही इतना हुआ, ध्यान रहे आपको, जैसे ही इतना हुआ अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं इसी प्रकार ए सी ई ये वाला त्रिभुज पी क्यू एस के भी समरूप सिद्ध कर सकता हूँ, तो वो अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख दो इसी प्रकार, जब एक क्वेश्चन में एक हिस्से जैसा दूसरा हिस्सा हो तो दूसरे हिस्से में मेहनत नहीं करनी होती, सीधा लिखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज क्या था ए सी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर एस के, ठीक है, जैसे ही इतना हुआ, क्या कैमरे में नज़र आ रहा है एक बार देख लूँ मैं, फिगर नजर आ रही ना, हाँ, जैसे इतना हुआ, देखो इसको मैं अगर बोलूँ कोण तीन, इसको बोलूँ कोण चार, तो मतलब कोण तीन बराबर कोण चार हो जाएगा क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं, ठीक है, इसको समीकरण दो बोल दिया, इसको समीकरण अच्छा दो पहले बोल दिए, चलो तीन बोल दिया, इसको समीकरण चार बोल दिया, समीकरण तीन और चार को जोड़ दो यार, तीन चार जोड़ने का मतलब क्या है, एक और तीन लेफ्ट वाले जुड़ जाएंगे आपस में और दो और चार राइट वाले आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक और तीन, देखो एक और तीन मिलाओगे पूरा कोण ए मिल जाएगा, यानी एक और तीन को जोड़ के आया कोण ए, दो और चार को मिलाओगे पूरा कोण पी मिल जाएगा, यानी हो गया कोण पी, अब हमारा काम बन गया, ठीक है, देखो अब हमें जो चाहिए था वो आराम से मिल जाएगा, एक बार
फिगर बार बार यार ऊपर भाग जा रही है, नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है देखो, अब आ जाओ यार जो हमें चाहिए था उसमें। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था भैया पूरा ये त्रिभुज जो है ना एबीसी, ये बड़ा वाला, ये समरूप हो जाए किसी तरह से पी क्यू आर के। अब हो जाएगा आराम से, कैसे, मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। देखो यार ए बी बटे में पी क्यू पहले से बराबर दिया है, ए सी बटे में पी आर के है ना ये दिया है, हालांकि इसके बराबर में भी तो कुछ था ए डी और पी एम, वो हमें अभी मतलब नहीं है, इतना हो गया। और इनके बीच का कोण ए और कोण पी अभी हमने ऊपर सिद्ध किया था यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि किनारे किनारे वाली भुजाएं बीच का कोण बराबर है, तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी किनारे किनारे वाली भुजाओं का अनुपात और कोण बराबर है, ए बी सी सिमिलर हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सा नियम लगा, भुजा कोण भुजा समरूपता से, यही हमें सिद्ध करना था, हो गया। ठीक है अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो इसका 15वां प्रश्न है काफी आसान सा, इसमें क्या बोला गया है, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यार मान लिया जो स्तंभ है ठीक है ना वो है ए बी, ए बी मान लो कोई स्तंभ खड़ा है जमीन पे जिसकी लंबाई कितनी बताई गई 6, सूरज की रोशनी इस पर ऐसे पड़ेगी तो इसकी छाया जो जमीन में बनती है वो 4 मीटर बताई गई है, ठीक है ना। उसी समय पे कोई मीनार है जो मान लिया पी क्यू, पी क्यू मीनार को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी छाया उसी समय पे 28 मीटर है, इसकी हमें क्या बतानी है लंबाई कितनी है, ठीक है यानी पी क्यू कितना होगा। तो कैसे करेंगे यार, देखो मैंने लिखा त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है इन दोनों में क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, हम सीधे सीधे खड़े होते हैं तो जमीन और इसके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ यहाँ पे कोण Q और वहाँ पे कोण B, ठीक है ना, प्रत्येक 90 डिग्री होगा तो आपस में बराबर होगा ये। इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ भाई इस त्रिभुज का कोण P और इस त्रिभुज का कोण A बराबर है, कोण P बराबर कोण A। अच्छा ये दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि एक ही जगह पे एक ही समय पे सूर्य के द्वारा जो कोण बनाया जाता है किसी चीज़ के साथ, जो सूर्य की रोशनी आ रही है कोण बना रही है वो बराबर बनाती हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक ही समय पर सूर्य द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है। जैसे इतना हुआ दो कोण मिल गए तो हम कोण कोण नियम से बोल सकते हैं कि भैया त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। कौन सा नियम लगा, एंगल एंगल समरूपता, ठीक है। जैसे इतना हुआ अब देखो हमें मतलब किससे है यार, हमें तो इसकी ये निकालनी है ऊंचाई, ठीक है यानी कि पी क्यू, तो एक बार पी क्यू लिखा, इसका पी क्यू लिखोगे तो उसका क्या आएगा ए बी आएगा, यानी पी क्यू के नीचे आ जाएगा ए बी। अच्छा और हमें पता क्या है वहाँ पे, बी सी पता है तो यहाँ क्यू आर पता है, यानी क्यू आर देखो लास्ट के दो अक्षर यहाँ, लास्ट के दो अक्षर बी सी, यानी कि क्यू आर डिवाइड बाई बी सी। तो यहाँ से देखो यार पी क्यू मुझे नहीं पता, ए बी मुझे पता है 6, क्यू आर 28, बी सी 4, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू बराबर कितना, 28 बटे 4 नीचे वाला 6 गया गुणा में, 4 सत्य 28, 7 गुणा 6 यानी 42, तो पी क्यू कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला गया है AD और PM त्रिभुजों ABC व PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, मतलब कि यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC इसकी माध्यिका है AD और दूसरा त्रिभुज है PQR इसकी माध्यिका है PM। आगे हमें बोला गया है कि जो त्रिभुज ABC है वो PQR के समरूप है, इस चीज़ को सिद्ध करो। तो पहले हम लिख लेंगे हमें क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, ठीक है फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमें दिया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो हमें सिद्ध करना है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो जो हमें सिद्ध करना है उसमें ए बी बाई पी क्यू आ रहा है, ठीक है तो ए बी बाई पी क्यू तो ठीक है, लेकिन इधर ए डी बाई पी एम आ गया, ए डी बाई पी एम अब ये कैसे लाएंगे। अब देखो यार यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिया गया है, अब अगर मैं किसी तरह से ये छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप कर दूं
तब यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू और ए डी बाई पी एम आ जाएगा। अब ये हम कैसे करेंगे, देखो ये करना आसान है। कैसे आसान है, हमें जो दिया है ना, सबसे पहली बात वो क्या है कि ए डी ए बी सी की माध्यिका है, ठीक है ना, ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, ठीक है। अगर ये माध्यिका है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो बी डी है वो बराबर है बी सी के आधे के, ठीक है। इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है अभी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखो ए डी माध्यिका है तो डी मध्य बिंदु होगा बी सी का। अगर ये डी मध्य बिंदु है तो यानी कि ये टुकड़े के बराबर होगा, या फिर ये जो टुकड़ा है इस पूरे का आधा होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यानी कि जो बी डी है वो बी सी का आधा हो जाएगा। इसी प्रकार पी एम माध्यिका है इस त्रिभुज की, तो जो क्यू एम होगा वो क्यू आर का आधा होगा, यानी कि क्यू एम जो है वो क्यू आर का आधा हो गया, ठीक है। अब इसको यहीं पे छोड़ दो, अब यहाँ पे आ जाओ। हमें एक और चीज़ दी गई है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भैया अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो ए बी बटे में पी क्यू, हमें देखो अभी किससे मतलब है, ये बटे में ये और ये बटे में ये, क्योंकि इसी का आधा ये आ जाएगा जो छोटे वाले त्रिभुज में आता है। ए सी और पी आर से भी कोई मतलब नहीं है, तो ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर, बस हमें इतने से मतलब था, इतना हो गया। अब अगर ये बराबर है, यहाँ पे आप लिख लेना समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब ये अगर बराबर है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ए बी बटे में पी क्यू तो चाहिए छोटे वाले त्रिभुज के लिए, लेकिन पूरा बी सी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आधा चाहिए बी डी, क्योंकि मुझे भी छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार चलो बी सी बाई क्यू आर जो है ऊपर से ऐसी छाप दो, लेकिन दोनों को दो से भाग दे दिया, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी का आधा, हमने ऊपर सिद्ध कर लिया है कि बी सी का आधा क्या है बी डी, और क्यू आर का आधा क्यू आर बाई टू कितना है क्यू एम, समझ में आ गया। यहाँ पे आप चाहो तो कारण लिख भी सकते हो कि यार जो बी डी है वो बी सी का आधा था, इसीलिए बी सी के हाफ की जगह बी डी लिख दिया, और जो क्यू एम है वो क्यू आर का आधा था, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं इसलिए लिख दिया। जैसे ही दोनों बराबर हुए, और एक बात और, कोण बी कोण क्यू के तो बराबर ही होगा, ठीक है। ये भी मैं चाहूँ तो ऊपर ही सिद्ध कर सकता था, ठीक है। क्यों, देखो कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, क्योंकि यार त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है ना त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसका कोण बी इसका कोण क्यू के तो बराबर ही होगा, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, लिख सकते हो आप। अब जैसे इतना हुआ, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ, ठीक है। फिगर एक बार मैं नीचे लेके आऊँ क्या, ठीक है, फिगर एक बार नीचे लेके आता हूँ, ठीक है ना, ऐसे नज़र नहीं आ रहा आपको, देखो एक त्रिभुज ये था, ठीक है। चलो यार दूसरा, या तो ऐसा करता हूँ इसको बना ही लेते, इसमें घिच पिच हो गई। देखो अपने पास यही तो है ए बी सी, और ये आ गया इसका ए डी, ठीक है। दूसरा वाला त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, यहाँ पे इसकी माध्यिका पी एम। मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार ये वाला, ठीक है, थोड़ा और मोटे से लिखते हैं, ये वाली भुजा डिवाइड बाई ये वाली भुजा ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, बराबर बी डी बाई क्यू एम। बी डी मतलब इतना और क्यू एम यानी इतना हो गया, और कोण बी कोण क्यू, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया। तो यार किनारे किनारे वाली भुजाएं बीच वाला कोण, यानी भुजा कोण भुजा नियम से जो त्रिभुज ए बी डी है, ए बी डी, ठीक है, यानी कि सिर्फ इतना त्रिभुज, ठीक है, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक है। नियम कौन सा लगेगा, भुजा कोण भुजा नियम से। इसका मतलब क्या, अब जो हमें चाहिए था मिल जाएगा, हमें क्या चाहिए था ए बी बाई पी क्यू, लिख दो किसके बराबर चाहिए था ए डी बाई पी एम के। तो ए डी कैसे बन रहा है, शुरू का और लास्ट का अक्षर, तो यहाँ भी शुरू और लास्ट का अक्षर देख लो पी एम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब लिख लेना समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो यही प्रूफ करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।